तुम सोच के देखो यार, कितने लोग हैं जो एक्चुअल में 18 प्लस नहीं है लेकिन 18 प्लस शोज देखते हैं वो। इंडिया में तो आराम से देखते हैं। अरे भाई इंडिया में कोई औकात नहीं है, इंडिया में डजंट मैटर। खून खराबा तो आप माँ बाप के साथ बैठ के देख लेते हो। चुम्मा नहीं होना चाहिए उसमें, चुम्मा हुआ तो पिटोगे, वो उसका सर काट के निकाल देगा, चलेगा। जब जब वो सब हो रहा होता है तब इधर उधर देखने लग जाते हैं, नजर मिल गई, पंखे के ब्लेड गिनने लग जाते हैं, पंखे पे कितनी धूल जम गई, रुकना अभी झाड़ू लेके आता हूं मैं, आप देखो देखो। और गलती से नजर मिल गई, ठीक है। अभी क्या होता है ना, अभी जब पापा अपने स्मार्ट टीवी लगाए हुए थे, जब कोई अननोन हॉलीवुड पिक्चर चल रही होती है, मेरे को बैठना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता इसमें क्या होने वाला है, रिस्की क्यों ले, रिस्की क्यों ले, सही बात है, मैं अकेले में देखूंगा ये, बस सीधी सी एंजॉय करो, आप अपना एंजॉय करो, मैं अपना एंजॉय करता हूँ, बस मैं चला जाता हूँ। दोनों को पता है क्या है, लेकिन ये है कई लोग कमेंट में लिखते हैं चौड़ में कि भाई मैं तो 18 प्लस नहीं हूँ, पर तब भी मैं तो 14 साल का हूँ। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है। हम नादानों की तरह डिस्क्लेमर डालते हैं कि भाई अगर कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा वगैरह, बाद में चार बार देखूंगा मैं। अरे मैं देख चुका हूँ, पता नहीं वो वाला सीन मैंने कई बार देख लिया। तो पर मेरे को ऐसा लगता है ना, जैसे अभी ये भी बात हुई कि इंडियन पेरेंट्स के आगे बच्चे ये सब चीजें देखना पसंद है, हम लोगों के साथ भी यही हुआ है, ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें जरूरी हैं, इन चीजों पे भी मतलब होना चाहिए कि अपने यहाँ तो भाई पेरेंटिंग का अलग ही उसूल है, ठीक है, बचपन में मार मार के सीधा किया जाता है, वो अपने यहाँ की पेरेंटिंग होती है भाई, बाहर का देखो मार दिया तो भाई बच्चे ही पता नहीं केस कर देगी कि मेरे को मार दिया। अगर अगर मार्क स्पेक्टर होता तो 15-20 पर्सनालिटीज तो खुद ही ले घूम रहे होते अपन। पल भर में कड़ो कड़ो करके अपने यहाँ बच्चे मून नाइट देखते हुए, ये ट्रॉमा है क्या अबे? हिंदी देखते देखते बंगाली बोलने लगे एकदम से। वही ना, देखो देखो वो उसने जो दिखाया एपिसोड 5 में, तकलीफ होती है, दर्द होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बेल्ट से मारा है, इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ खास नहीं था, ठीक है। एक्चुअली नहीं पता है, मैं एक बात फर्स्ट टाइम को ये मैंने भी सोचा था, पर ना उसमें जो उसका ट्रॉमा एक्चुअली मेरे ख्याल से इस वजह से क्रिएट नहीं होता, उसका ट्रॉमा क्रिएट होता है उसका भाई हेट, हाँ। नहीं उसकी माँ उसको हेट करती है ना, वो ट्रॉमा होता है, वो ज्यादा था, और ऊपर से उसको सपोर्ट करने के लिए उसके भाई की मौत भी होती है उसके जिम्मे, तो वो ऑलरेडी डाउन रहता है और उसकी माँ उसको कभी भी उस चीज के लिए माफ नहीं करती, तो वो मार खाना वाज नॉट द ट्रॉमा। अच्छा ये एक बहुत अच्छा डिटेल भी है कि वो स्टीवन को दिखाना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी, कि वो चीज देखी मत बिल्कुल। और मेरे को वो फील हुआ कि वो स्टीवन को अपने उसी भाई की तरह ट्रीट करता है कि जो इसको खो दिया था उसने, भाई बहुत सैड है, बहुत यार, वो वही तो जो सबसे डिप्रेसिंग पार्ट है उसका, वही है, पिटना पिटवाना कुछ नहीं है भाई, हम तो मतलब ऐसे बहुत पिटे, मतलब क्योंकि अभी क्या गड्डी में पेशाब निकल गया, इतनी मार खाई है, ठीक है, क्या है कि अभी वही क्या है ना कि अब बड़े होने पे भले ही घर वाले मारे ना, लेकिन अगर बोल दे तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बस माँ बाप कुछ कहे ना, बस हमें ये कह दे कि चलो हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक तसल्ली हो जाती है, तो वो माँ के साथ वो बचपन में नहीं था कि हाँ भाई जो गलती हुई क्या हुआ क्या नहीं, नहीं भाई तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार, मतलब कितनी स्वार्थी माँ है यार, सही में, सही में। वो मतलब वो और वो उस मतलब खैर बिल्कुल एक एक थैनोस के जस्ट बगल में खड़ी होगी थैनोस, मार्क की मम्मी और इधर ईगो, तीनों को एक साथ खड़ा करूंगा मैं तो। अब तक अपन पेरेंटल फादर डैडी इश्यूज देखते आ रहे थे, अभी अपने को मॉम इश्यूज दिखा, मॉमी इश्यूज, और वो देखो खतरनाक मार्वल में यही चल रहा है, ठीक ना, मार्वल में यही चल रहा है।